भाई सलीमा बेगम, पहले हमारी बेटी को नाश्ता दो, इसने कॉलेज जाना है, है? मेरा क्या है, दुकान ही खोलनी है, देर से खुल जाएगी। आयजा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी और मैं अपनी बैठक में फ्री डिस्पेंसरी खोलूंगी। और ना बाबा ना, मैं फ्री डिस्पेंसरी नहीं खोलने दूंगा, इतना पैसा लगता है डॉक्टर बनने में। मेरी बेटी बड़े अस्पताल में नौकरी करेगी, बहुत ज्यादा पैसे कमाएगी। मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे टीचर बनना है। चल ठीक है, जो तेरा दिल चाहे तू बन जाना, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, हम बुढ़ा बुढ़ी तो तेरी मर्जी पे खुश है। सलीमा, इसके होते मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं होती। किन ख्यालों में गुम हो? कहीं नहीं यार, अगर अब्बा को पता चल गया कि मैं ख्यालों में रहती हूँ ना, तो उस पर भी पहरे लगा देंगे वो। अच्छा बंद कर अपनी ये बोरिंग किताबें। पूछेगी नहीं मैं क्यों आई हूँ? मैं क्यों पूछूं? रोज तो आती हो तुम। अच्छा चलो पूछ लेती हूँ, क्यों आई हो? मुझे मोबाइल दिया है। किसने? इरफान ने। और किसने? सबा, अगर खाला को पता चल गया ना तो बहुत बुरा मानेंगी वो। वो क्यों बुरा मानेंगी, उन्हीं का तो भांजा है। हाँ लेकिन फिर भी, अच्छा दिखाओ ना कहाँ है। पागल हो गई है क्या, मैं इतना महंगा मोबाइल के हाथ में लेके फिरूंगी? मेरे 25,000 का है। 25,000 का फोन? हाँ, तुझे पता है उसमें तस्वीरें भी इतनी आला, किसने चला तुझे लेकर? हाँ अजी को अपने साथ घर लेके जा रही हूँ। अरे जो बात करनी है यही कर लो ना। नहीं खाला प्लीज, मुझे इसको घर लेके जाने दो प्लीज। प्लीज मेरी खाला, प्लीज ले जाओ। अच्छा अच्छा, लेकिन देख लेना अब्बा के आने से पहले पहले वापस आ जाना। हाँ खाला, ये तो मेरा घर है, एक घर छोड़ के परेशान ना हुआ कर। चल अजी। अरे साहब में 70 रुपए कम है, किधर गए वो? तूने अपनी माँ की दवाई के लिए लिए पैसे? तोबा तोबा उस्ताद जी, चोरी करना तो गुनाह है, मैं ये गुनाह क्यों करूँगा? एक एक पाई का हिसाब लिखा इसमें, गिनती करनी नहीं आती? अंगूठा छाप, पकड़ से, मैं जा रहा हूँ। और ध्यान से पैसे लेना, बड़े आए नौकरी करने वाले, 2 रुपए का हिसाब नहीं रख सकते। मुझे देर हो जाए तो चाबी घर दे देना। कितनी अच्छी तस्वीर आई है ना। ऐसा फोन अब्बा के पास भी है लेकिन कैमरा नहीं है उसमें। ये महंगा जो है। तुझे इरफान की तस्वीर दिखाऊं? लेकिन जल्दी। हाँ अब्बा आ गए ना घर पर तो कयामत आ जाएगी। अच्छा है ना? और दिखाओ ये देख। और दिखाओ। चला साथ में एक पिक्चर खींचते हैं। खैरियत, आज आप इस वक्त वापस चला जाऊं? मेरा मतलब था तबीयत तो ठीक है ना? अरे तुम बीवियां चाहती ये हो, मियां सुबह का जाए फिर शाम ही को लौटे, मरा रहे बाहर, सिर में दर्द हो रहा है, पानी और चाय एक साथ ही लिया, गोली खानी है। अंधे हो क्या, देख कर नहीं चला सकते साइकिल?
अब्बा को शिकायत लगा दी ना तुम्हारी, तो नौकरी से भी जाओगे और इस साइकिल से भी जाओगे। बीवी जी, ये चाबी दुकान की है, साहब जी को दे देना। मुझे क्यों दे रहे हो? खुद नहीं दे सकते अब्बा को, नौकर हूं तुम्हारी, चाहिल कहीं के। अब ये ले। आयजा किधर है? वो सबा की तरफ गई है, कह रही थी कि सवाल समझ में नहीं आ रहा। सबा भी उसी की जमात में पढ़ती है ना? हाँ। उसको भी वही उस्तानी पढ़ाती है। उसको कह कि अगर सवाल समझ में नहीं आता तो कॉलेज को जवाब दे दे और घर बैठ जाए, पढ़ लिया जितना पढ़ना था। वो दो चार दिन में इम्तिहान होने वाले हैं, पास हो जाए तो आगे नहीं पढ़ाऊंगी। ना क्या करना है उसने इतना पढ़ के? कोई खत ही लिख पढ़ दिया करेगी। अगर मैंने सुन लिया ना कि उसने कोई खत लिखा या पढ़ा है तो उसे भी गोली मार दूंगा और तुझे भी। सबा ने मोबाइल पर मेरी तस्वीर खींची, मैं तो खुद को देखकर हैरान रह गई। मुझे लगा मैं बहुत प्यारी हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझसे ये कहे कि मैं वाकई बहुत प्यारी हूँ। मुझ पर लाल रंग अच्छा लगता है, फिरोजी या फिर ब्लू। सबा इरफान की कितनी बातें करते हैं, या अल्लाह मुझे तो सुनकर शर्म आने लगी। सलीमा, सलीमा जी। वो फिर कमरे में सोई हुई है, तू चरपाई से बांध नहीं सकती उसे। अकरम, बुरा मत मानना, बेटियां तो पराया घर है, यहाँ जो चार सांस सुख के लेगी सारी उम्र याद करेगी। और ससुराल को तो वैसे ही कहते हैं कब्र का दूसरा नाम, और ना बाहर आने की तकदीर। बहुत बोलना आता है तुझे। अरे तू जाग रही थी? हाँ, वो तो मैं अब्बा के जाने का इंतजार कर रही थी। अच्छा ना, जल्दी से रोटी बना दे, बहुत भूख लग रही है, फिर कॉलेज भी जाना है। अच्छा, ला रही हूँ। सुनो, फोन आया था क्या उसका? इरफान का? मरता है वो मुझ पे। अच्छा? जी हाँ, पता है अगर मैं उससे नाराज हो जाऊँ ना तो सारी रात मेरे घर के बाहर गुजार देता है, पागल। तो फिर तुम नाराज क्यों होती हो उससे? ऐसा करना पड़ता है पागल, जब ज्यादा मीठा मीठा खा लिया जाए ना तो फिर कुछ खट्टा मीठा खाने का दिल करता है, इसीलिए। मैं तो नहीं मानती। अच्छा, और अगर मैंने करके दिखा दिया तो
तो ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहेगा वो ही करूंगी। तो फिर ठीक है, तैयार रहना। उफ, गर्मी। जल्दी चलो, पहले ही बहुत देर हो गई है। यार तूने देखा कैसे यक्के पे यक्के मार रहा था? यार मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसके पास आज पत्ते चल कैसे रहे थे। यही बात तुझे मैं कहने वाला था। मुझे लगता है वो पत्तों को कोई हेर फेर करता है। यक्के पे यक्का कहाँ जा सकता है? दाल में काला लग रहा था। देख देख देख, तेरी सब्बो जा रही है उसके साथ, क्या मस्त सहेली है यार उसकी। क्या अल्लाह लग रही है यार। अबे उसकी सहेली तो चेक कर, क्या मस्त आइटम है कसम से। यार इरफान तू सब्बो से बात कर कि किसी तरह से अपनी सहेली के साथ मेरा चक्कर चला दे, मजा आ जाएगा। बहुत अच्छे बेटा, अभी मेरा काम हुआ नहीं, तू अपने डोल डाल दे। यार तू बात तो करके देख, दोनों भाई मिलके मजे करेंगे। अच्छा अच्छा, कुछ करता हूँ तेरा। कॉलेज क्यों बंद है? तुम्हारी स्थानी बहुत हो गई। क्या क्या? वो मरी नहीं है, मार दी गई है। मुंह काला करने जा रही थी किसी के साथ, 5 मिनट देर हो जाती ना तो भाग जाती है रामजादी। अच्छा हुआ बाप भाई ने कुल्हाड़ा चला दिया, वरना वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। ओए, 4 जमातें लड़कियां पढ़ लेना तो बेशरम हो जाती हैं, चादर अलमारी में और 4 दीवारी खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए कहता हूं उठा ले से कॉलेज से, भाई जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द। हाय, बच्चों पर पहरे लगाएंगे तो वो तो चोर रास्ते जरूर ढूंढेंगे ना। हाँ अम्मी, मैंने सुना है उसके भाई और अब्बा बहुत सख्त मिजाज हैं। पता नहीं बेचारी कैसे पढ़ लिख कर टीचर बनी। भाई आज का जमाना बदल गया है, वो दिन गए जब सोने का निवाला खिलाते थे और शेर की निगाह रखते थे। अब तो सहेली बनकर रहेंगे तो काम चलेगा। जी हाँ बोलो। देख मैं आज नहीं आ पाऊंगा, वो अम्मा का फोन आया था, वो कह रही थी खाला की तबीयत नहीं ठीक। एक फिल्म ही तो कहा था, और तुम शुरू हो जाओ बहाने बनाने। तू नाराज क्यों हो रही है? हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं फोन बंद कर रही हूँ। हेलो, एक तो सुबह से कुछ नहीं खाया, ऊपर से ये दिमाग खाए जा रही है, लड़कियां होती ऐसी। डरा दिया तुमने मुझे। मजे की बात बताऊं, तेरे लिए नाराज होगी मैं उस इरफान से। मेरी खातिर? और क्या, रात को तो छत पे आना, फिर दिखाऊंगी तुझे तमाशा कैसे मरता है मेरे पीछे। ना बाबा ना, अब्बा ने देख लिया ना तो शामत आ जाएगी। एक तो तू सारी जिंदगी डरती रहना बेवकूफ, कुछ ना करना मर जाना तू इसी चूहे की बिल में पड़े पड़े। अच्छा ना, कहाँ जा रही हो? अच्छा ठीक है, आऊंगी। पक्का? हाँ ना, कितने बजे आऊं छत पर? वेट नहीं होता मेरे से। क्यों ना वेट करवाऊं? तुम मुझे नाराज ही ना किया करो।
चुप। ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? आयजा आ गई है। आयजा भी आ गई है। आजकल तो ज्यादा वेट करवाना शुरू हो गया सुबह में। ये अच्छी बात नहीं है, इतना वेट नहीं होता मेरे से। अच्छा बात सुन, एक मूवी नहीं आ रही है, चलेगी मेरे साथ देखना? चलूंगी चलूंगी, एक मिनट चुप कर। देख, मैं तुझे कहा था ना, अब माना मुझे। हेलो यार, तेरी फ्रेंड इतना डरी क्यों हुई है? ये ले, बात कर बात कर बात कर, बात जाएगी। अब पक्का छोड़, तुम बात कर। हेलो, आप डर क्यों रही हैं इतना? क्या बात कर रहे हैं? क्या अभी मुझे नहीं बात करके तुम बात करो? ऐसी ही है। तो मुझे किसी मूवी के बारे में बता रहे थे। मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ मूवी देखने चलेगी? हाँ हाँ चलेंगे। आयजा कहाँ है? मुझे क्या पता। तू कैसी माँ है? तुझे ये नहीं पता तेरी बेटी कहाँ है? वो रात के इस वक्त यही कहीं होगी। कहीं तू भी तो उसे भगाने में शामिल नहीं है? किधर भगाया उसे? तुम होश में तो हो अकरम? मैं भगाऊंगी अपनी बेटी को? जरा देखो, कमरे में होगी। देखा है मैंने, कमरे में नहीं है। वहां तो हमारे कमरे में होगी। जा देख। देखती हूँ। आयजा, आयजा, किधर है वो? अगर वो नहीं मिली ना, ना सुबह जिंदा होगी तू ना मैं। मेरी बात तो सुनो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? यही कहीं होगी, टॉयलेट में होगी ना, तुम देखो तो सही। देख देख।
अम्मी, अब्बू ने कुछ कहा तो नहीं रात को? कसम खा के बोल। मेरी कसम खा के बोल, ऊपर कौन था? अम्मी, सबा थी ऊपर। तू भी बाप की तरह मुझे बेवकूफ समझती है? सबा से तू दिन में ही मिल लेती है, मैं रात को क्यों मिलने गई, और वो भी छत पे? अम्मी, मैं आपको पूरी बात बताने ही वाली थी। दरअसल हुआ ये कि बस यही सिला दिया तूने मुझे मेरी मोहब्बत का, मेरे एतबार का। देख, मैं तेरी जान ले लूंगी, मगर अपनी तरबियत पे हर्फ नहीं आने दूंगी। अम्मी, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। छत पर कल रात सबा थी मेरे साथ, अब सबा से पूछ ले भले। तेरी बेगुनाही का सबूत अब मुझे गैरों से लेना पड़ेगा। लानत है मुझ पे। अम्मी, उस्ताद जी, एक बहुत जरूरी काम आ गया, मैं अभी गया और अभी आया। उस्ताद जी, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, ठीक? मैं आ रहा हूँ। ओए सज्जू, अम्मी को मेरी बात का यकीन ही नहीं आया और इतनी सी बात पकड़ाई में आ गई। कोई नहीं, कॉलेज से वापसी पर सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ जाएगा। नहीं सबा, ये अच्छा नहीं हुआ। जब आईने में बाल आ जाता है तो भला ये रोज ही यहाँ खड़ा होता है, लगता है आशिक है तेरा। आशिकों का काल नहीं पड़ गया मेरे लिए, जो मुझे इसकी आशिकी की जरूरत होती। वैसे खूबसूरत तो जी भर के है। तुम्हारे इरफान से भी ज्यादा, उससे ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं अच्छा। तो फिर मैं क्या करूँ सज्जू की मरी हुई शक्ल का? अनपढ़ जाहिल, पता है अब्बा क्या कहते हैं, इसको तो हिसाब किताब करना भी नहीं आता। सलाम अलेकुम। अरे सुरैया खाला, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाए, आइए। अरे वो मुझे अकरम ने कहा कि लड़की देखने के लिए आ जाना, तो मैं आ गई, वरना मेरे पास इतना टाइम कहाँ जो तुम्हारे घर के चक्कर में बर्बाद करती फिरूं मैं। हाँ उसके इम्तिहान हो जाएं तो फिर। ये कैसी बात कर दी, इम्तिहानों को छोड़। अरे जी, जिन लड़कियां होती हैं ना, ये तो बेल की तरह होती हैं। आजकल कल कुछ ये बढ़ जाती हैं, छत पे चढ़ जाती हैं। तू 2,000 रुपया मुझे दे, मैं तेरी लड़की के लिए लड़का देखूं। हाँ। ए, मुंह क्यों बना रही है, ज्यादा है पैसे? चल तू 1,500 दे दियो, इससे कम नहीं लूंगी मैं 1,500 से। हाँ, ना चाय का पूछती है ना पानी की पूछती, कुछ खाने को ही पूछ लिया करो। हाँ, तुम्हारी हाँ। अम्मा जितती हूँ मैं। हाँ आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। लेकर आती हूँ, इतने घरों में जाती हूँ, लोग इतनी मेहनतों से खिलाते पिलाते, मैं सादा पानी भी नहीं पूछते। खत्म कर दे अब ये खाना पकाना, इसे सिखा, बहुत खा लिया तेरे हाथ का खाना। वो माई आई थी रिश्ता करवाने वाली, मैंने कहा था भाई मैं जा रहा हूं मंडी, सौदा आ रहा है मेरा, थोड़ी देर हो जाएगी, तो कुंडी अच्छी तरह लगा लेना और नजर जमा के रखना। आपने मेरी बात का यकीन किया और ना ही अब्बा ने मेरी बात का यकीन किया।
शक किया आप लोगों ने मुझ पर। ठीक है, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, जान से मारूंगी खुद को। आयजा, क्या कह रही है तुम? आयजा, मेरी बात तो सुनो। नहीं यकीन ना, बेवकूफी की बातें मत करो। दीवानी हो गई क्या? उस पागल तुम की बातें मत करो। आयजा, वो शक किया आप लोगों ने मुझ पर। आयजा, वो वालेकुम अस्सलाम। मैं दरअसल अकरम भाई से मिलना चाहता हूँ। वो तो मंडी गए हैं सौदा लेने। अच्छा, देखिए मेरा नाम हदीद टीचर है और दरअसल मैंने अकरम भाई से कुछ पैसे उधार लिए थे तो वो लौटाने थे। मैंने आज वादा किया आप ये पैसे उन तक पहुँचा दें। भाई वो आ जाते हैं तो मैं बता दूंगी, आप सुबह दुकान पर ही उधार लौटाइएगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन उनसे जरूर कहिएगा कि हदीद टीचर आए थे। जरूर। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बस कर, अब बस भी कर दे। मां के दिल पर और कितने तीर चलाएगी आंसुओं के। देख, मां बाप तो बच्चों के भले के लिए कहते हैं ना, और फिर ऐसी यारी से दुश्मनी भली। मुंह पे कालक थोपते लेकिन सबा जीमी से वादा किया मैंने, जब से उसने तेरी दोस्त को देखा है बेचारा पागल ही हो गया। और यकीन कर, इसने तो 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया। इस बार मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊं, उसका बाप जल्लाद है, जल्लाद। तो तड़पने दे फिर उसे, जब मर जाएगा तो फिर तुझे बता दूंगा। इरफान, तू तो मेरी आंखों के सामने सुबह शाम रहती है। और सुन, 2 दिन के लिए मुल्तान जा रहा हूँ, वापसी पे तेरे लिए मुल्तानी कढ़ाई वाला कुर्ता लेके आऊंगा। हाँ, और कहे तो आयजा के लिए भी ले आऊं। रहने दे उसको, बड़े नखरे हैं उसके। और वैसे तुझे उसकी इतनी परवाह क्यों है? अरे उसकी किसको परवाह है सबो, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि तेरे टोर टशन बन जाएंगे। किससे बात करिए सबो? मेरी सहेली अम्मी। ये वही है ना जिसने मोबाइल दिया तुझे? जी अम्मी। देख बेटा, मखमल में डांट के पैमन नहीं लगते। हमारे इन मोबाइल देने वालों से कोई बराबरी नहीं, तो उसका ही मोबाइल वापस कर देना। नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने बहुत प्यार से मुझे ये दिया, मैं वापस करूंगी तो वो बुरा मान जाएगी। चल जैसे तेरी मर्जी है। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती बेटा। भी चुप कर जा, पहले मेरी अम्मी ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तो सबो सुन, अपनी दोस्त से बात करना ना भूल जाए। अम्मी कहती हैं कि ऐसी दोस्ती से दुश्मनी भली जो मुंह पर कालक थोपते। छत तक गई थी तो अब्बा ने धमकियां दे दी थी मुझे, किसी से मिलने चली गई ना तो जान से मार देंगे वो मुझे। कोई बताएगा तो पता चलेगा ना। सबा सबा, बाज आ जाओ तुम।
ऐसे कामों में कुछ नहीं रखा, और जो काम माँ बाप की इज्जत को हाथ में लेके किया जाए ना, उसमें कोई फायदा नहीं। और वैसे भी अम्मी कहती हैं कि ये मर्द बहुत नामुराद होते हैं, एक बार मतलब निकल जाए ना तो बस। देखा जी, अभी तो तू मेरी दोस्त है इसलिए कह रही हूँ, पर ना मुझे तुझसे क्या, तू अपनी दुनिया में खुश और मैं अपनी में राजी। बड़ी जालिम है तू, एक तरफ जिम्मी के प्यार को ठुकरा रही है और एक तरफ सज्जू के। तुझे इसकी हाय ना लग जाए। वालेकुम अस्सलाम सज्जू, आओ आओ अंदर आओ, आ जाओ। हाँ भाई, तो बताओ आज हमारे गरीब खाने पे कैसे? आ जाओ। मैं भी बस स्कूल जाने के लिए तैयार ही हो रहा था। आओ बैठो। हाँ जी, सब खैर तो है? वो जी, वो जी, यार लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहे हो? वो मुझे पढ़ना है। पढ़ना है? जी जी। वाह जी, बड़ा नेक इरादा है। जरूर कोई लड़की का चक्कर होगा। अरे भाई, किस लिए पढ़ना चाह रहे हो? नहीं नहीं मास्टर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उस्ताद से झूठ नहीं बोला करते। आप पढ़ा तो देंगे ना? हाँ, पढ़ाना ही तो मेरा काम है। मैं ये किताबें लाया था और ये कॉपी भी। मास्टर जी, आप पढ़ा देंगे ना? हाँ हाँ, जरूर पढ़ाऊंगा, पर सज्जू इस वक्त तो मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, तो कभी और सही। अच्छा जी, फिर मास्टर जी मैं चलता हूँ। अच्छा सज्जू बैठो, दिखाओ भाई दिखाओ। काकी खराब कर दी है, काकों को नाराज कर दिया। आया हुआ रिश्त निकाल दिया तुमने है? ऐसी पढ़ाई का फायदा जो लक्ष्मी को ना पहचाने। सच सच बता, किसने दी है तुझे मत है? बताना। अरे बताता है कि नहीं? मेरा शौक। तेरा शौक? तेरा शौक? अभी तेरे शौक को आग लगाता हूँ ना, तेरा शौक ठंडा होगा तो तू भी ठंडा होगा। चल हर टाइम लड़ती रहती है मेरे साथ। देख इरफान, मैंने कल तुम्हें फोन पर भी कहा था और अब मैं फिर से कह रही हूँ, अगर अजी नहीं मिलना चाहती तो ना मिले। तुम क्या इस कदर बेसभ्य हुए जा रहे हो? कहीं
अरे तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया जी पर? ओहो सबो तुम पागल हो गई हो क्या? पागल ना हूं तो और क्या करूं? जब से तुम्हें अज्जी की तस्वीर मैंने मोबाइल में दिखाई है तुम्हारा स्टार तो बढ़ता ही जा रहा है। जिम्मी अज्जी को मिलना चाहता है, मैं नहीं। तो फिर जिम्मी को कहो कि किसी और को देख ले, अज्जी उसके हाथ नहीं आएगी। ये उसे दे देना, कहता था पढ़ लेगी, अगर फिर भी मिलने ना आई तो कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा उसकी तरफ। खत अज्जी के नाम। खत है सबो, बम नहीं। तुम इसे बम ही समझो। देखो एक यही तरीका था मिलने का, मिलने वो आती नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? दो ये ले, बना के लाई थी तेरे लिए। मीठा? एकदम कड़क, तेरे जैसा है सबो। चल मुझे आइसक्रीम खिला। पक्का? चल। सबा अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो खाला से शिकायत कर दूंगी मैं तुम्हारी। क्या करूं यार, वो मुझे आने ही नहीं देता है। पता है मेरा हाथ पकड़ लेता है और फिर मेरा हाथ छुड़ाने को दिल ही नहीं करता। अच्छा अगर उसे तुमसे इतनी ही मोहब्बत है तो उसे कहो ना कि अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजे और हमेशा के लिए तुम्हें अपना करके ले जाए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। एक बात कहूँ? नहीं। अगर मैं पढ़ाई छोड़ भी दूँ ना तो भी शादी वादी नहीं करूँगी। जो मजा मोहब्बत में है वो शादी में कहाँ। यकीन कर अजीब वो मुझ पे मरता है यार। एक बात बता, कभी तूने किसी शादीशुदा मर्द को अपनी बीवी पे मरते देखे? नहीं ना, बस यही तो मजा है, यही फर्क है। लानत है तुम पर, कितनी बेशरम हो तुम। तू मुझ पे लानत इसलिए दे रही है क्योंकि तेरी जिंदगी में अब तक कोई नहीं आया, जब आएगा ना तो तू मुझे भी बाय बाय कर देगी। अरफान भाई क्या हुआ है, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? जिम्मी भाई ने अपनी नस काट ली। क्या इरफान? इरफान बता रहा था कि उसे जिम्मी से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, उसने किसी भी लड़की को आज तक आंख उठा के भी नहीं देखा, पहली बार किसी से मोहब्बत हुई और वो भी तुझ जैसी कठोर से। छोड़ा है किसी ने